हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने सूट लिया है और दोस्तों ये देखिए मेरी गले पर कढ़ाई आई है और ये कढ़ाई हमारी नीचे की तरफ रहेगी। तो अब हम सूट की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से खोलेंगे। और जो हमारी कढ़ाई है उससे हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से सीधी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा सादा कपड़ा है उसे हम अलग रख लेते हैं। फिर हम इस कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। जो हमारा कढ़ाई वाला गला है उसको हमें बराबर इस तरह से रख लेना है और अच्छे से इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। तो हमने अच्छे से देखी कपड़े को बिछा लिया है देखिए इस तरह से। तो अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए हमें यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा लेना है। तो अब हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर 3 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेना है तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेना है तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह से आर्मोल की गुलाई कर देंगे। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पर सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 को आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम 1 निशान कमर के लिए लगाएंगे 6 इंच पर और दूसरा निशान हम 13 इंच पर लगाएंगे हिप के लिए। अगर आप सूट लंबा बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 14 से 15 इंच तक निशान लगा लेना है। तो अब हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है 15 इंच, तो 15 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम हिप की चौड़ाई नापेंगे। हिप की चौड़ाई हम 17 इंच लेंगे, 17 के आधे हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। और नीचे की तरफ देखिए हमें सीधी लाइन खींच देनी है 2 इंच पर। तो अब हम यहाँ पर सूट की लंबाई नापेंगे। तो सूट की लंबाई यहाँ पर हम 34 इंच लेंगे और यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और 1 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है तो 35 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा घेर 9 इंच है, 9 को डबल करेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। और जो हमारी लेस है इसको हम उधेड़ के ऊपर की तरफ सिलेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ पर हम कट लगा देंगे, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी। और यहाँ पर 20 सेंटर पर कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी और नीचे की तरफ हमारा कपड़ा फोल्ड करके तुरपाई होगा। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। जो हमारा सादा कपड़ा है उसे अच्छे से बिछा लेना है फोल्ड करके। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेना है। और जो हमारी बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रख लेनी है।
तो देखिए इस तरह से हमने पल्ले को अच्छे से बिछा लिया है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी आरमोल की गुलाई है आगे वाले पल्ले पर 1 इंच पर रखी थी और पीछे वाले पल्ले पर हम 1.5 इंच की गुलाई रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और साइड में हमें सेम निशान लगा लेना है और पीछे वाले पल्ले की हमें लंबाई 3 इंच ज़्यादा लेनी है क्योंकि पीछे की तरफ हमारा फोल्ड होगा और आगे की तरफ हमारी लेस सिली जाएगी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमें बी सेंटर पर कट लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और ये हमारी आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगी। ये देखिए हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे फिर दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे। बाद में हम यहाँ से कटिंग कर देंगे सीधी। तो अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए और यहाँ से लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई यहाँ पर हम 19 इंच लेंगे तो 19 इंच पर निशान लगा लेना है। और इस तरह से बाजू की गुलाई कर देनी है। फिर हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे। बाजू की चौड़ाई हम 8 इंच लेंगे तो 8 इंच पर निशान लगाना है। और नीचे की तरफ हम बाजू की मोरी 4.5 इंच लेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर देखिए इस तरह से तिरछे में इंची टेप रख के लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पर दोस्तों निशान लगे हैं वहीं पर हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कट लगा देंगे इतना हमारा फोल्ड होगा इस तरह से। तो अब हम इस बाजू को खोलेंगे और आगे की तरफ हमें 1/2 इंच पर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर कट लगा देंगे, इससे हमें पता चलता रहेगा कि ऐसा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है और हमारी दोनों आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। और जो हमारी लेस है उसको हमें कपड़े में से निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने लेस को कपड़े में से निकाल लिया है। और दोस्तों जो हमारा आगे वाला पल्ला है कढ़ाई वाला उसमें हमें लेस को सिल लेना है। जो हमने मार्जिन लिया था उसमें हमें इस तरह से कपड़े को सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हम इस लेस को रख के सिलेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी कढ़ाई वाली सूट की कटिंग हो गई है। और दोस्तों इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।